नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजे और वक्त है ताल ठोक के आज की बड़ी बहस का। लेकिन आज हम आपको ये बताएं ताल ठोक के कि आज की बहस किस बात पर है। उससे पहले आज आपको ये वीडियो देखना चाहिए जो भारतीय सेना ने जारी किया। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर का है। यहां 9 मई को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। 24 सेकंड के इस वीडियो में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया। यह वही इलाका है जहां इस कार्रवाई से ठीक 8 दिन पहले यानी 1 मई को पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने सेना के जवान परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शवों के साथ बर्बरता की थी। इसे आप पाकिस्तान पर मिनी सर्जिकल स्ट्राइक भी कहें तो गलत नहीं होगा। खास बात यह कि 28 सितंबर के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को जवाब देने के लिए सेना ने इस बार अपनी कार्रवाई का वीडियो भी बनाया। सीमा के पार तो सेना ने इस कार्रवाई से जवाब दिया ही है, उससे पहले देश के पत्थरबाज गैंग को भी बड़ा झटका दिया। कल ही मेजर नितिन लितुल गोगोई का सेना प्रमुख ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मेजर गोगोई पर आरोप है कि उन्होंने कश्मीर में पत्थरबाजों की टोली को जवाब देने के लिए सेना की जीप के आगे उन्हीं के एक साथी को बांध दिया था। इस मामले में सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मेजर गोगोई को प्रशस्ति पत्र देकर सेना ने एक तरफ सैनिकों का हौसला बढ़ाया, दूसरी तरफ पत्थरबाजों और उनका समर्थन करने वालों को अल्टीमेटम भी दे दिया, यानी सीमा के आर पार देश के दुश्मनों को खामोश करने का काम किया। तो ताल ठोक के आज पूछेंगे, क्या सेना ने पाकिस्तान से बर्बरता का बदला ले लिया? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले सेना के इस वीडियो से खामोश हो जाएंगे? और क्या सेना के एक्शन से पत्थरबाज गैंग को जवाब मिलेगा? और सवाल यह भी कि राजनीतिक पत्थरबाजों से यह देश कैसे बचेगा? जांच जो है वो पूरी हुई नहीं है, और इसके पहले सरकार की तरफ से इस तरह का एक्ट होना ये कश्मीर समस्या को एग्रीवेट करेगा। इट इज रियली ए वेरी प्रोवोकेटिव एक्शन। व्हाई इट इज बीइंग डन, इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन। इट इज टाइम टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझता हूं कि इस वक्त कमेंडेशन सर्टिफिकेट देना वायलेटिव है उस आदमी के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जिसको बांधा गया। इस तरह से बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीका अपना लिया है कि नेशनलिज्म को सामने रखो और अपनी पूरी कमजोरियों को, गलतियों को छुपा लो। थलसेना अध्यक्ष, उन्होंने उनको प्रशंसा की है और उसको सम्मानित किया है। जनरल रावत ने जो भी डिसीजन लिया है उसमें कोई कमी नहीं है, पूरी तरह से हम सहमत हैं। जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं उनसे मेरा सवाल है, लेफ्टिनेंट फयाज के जघन्य हत्या पर आप खामोश क्यों थे? यही तो मैं कहता हूं, यह है दोहरे मानदंड। अगर हमें आतंक के खिलाफ सफल होना है तो हमें आतंकी से आगे सोच विचार करना। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि 9 नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कश्मीर में सेना के हौसले के अच्छे दिन आ गए? दूसरा सवाल, क्या सेना का सम्मान पत्थरबाजों को अल्टीमेटम है? तीसरा सवाल, सेना के सम्मान पर मानवाधिकार का कार्ड क्यों? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, सेना के सम्मान पर सियासी पत्थरबाजी क्यों? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए बड़ा पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे पत्रकार साथी हैं, रिपोर्टर हैं, 2 मेरे सहयोगी और साथ ही बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, सुशील पंडित हैं, को फाउंडर हैं रूट्स इन कश्मीर के, मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, इंजीनियर राशिद एमएलए हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ आएंगे, और एमएस बिट्टा हमारे साथ हैं, वो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, और साथ ही मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दोनों इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद हैं। सबसे पहले कृष्णमोहन,
सेना अमूमन ऐसे वीडियोस जारी नहीं करती, ये सेना की मजबूरी थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सवाल पूछने वालों के लिए वीडियो बनाना या फिर मौजूदा दौर में ये जरूरी हो गया है कि आप दुनिया को भी दिखा सकें और अपने देश में इस तरीके के सवाल उठाने वालों के मुंह पर भी ऐसे वीडियो मारें। सुबूत हो रोहित, ये वीडियो और ये स्टेटमेंट दरअसल दोनों ही पक्षों के लिए था, पाकिस्तानियों के लिए भी था जो कि हर बार ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके लिए डिनाई करना आसान है क्योंकि उनके यहाँ शहीदों के जो ताबूत हैं वो अपने जो शहीद सैनिक होते हैं उनकी लाशें लेने तक से इनकार कर देते हैं। मीडिया वहाँ कर्टेल्ड है, वो बता नहीं सकता है और वो बहुत ही कन्वीनियंटली इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। और दूसरा, उन लोगों के लिए भी जो अपने यहाँ भी राजनीति को इसमें बीच में लाते हैं और सेना से स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। आमतौर पर ऐसा कम होता है कि जबकि सेना को अपने सबूतों को इस तरह से सार्वजनिक करना पड़े, लेकिन जिस तरह से राजनीति सेना में घुसी है पिछले कुछ दिनों से, सेना की कार्रवाइयों पर जिस तरह से सवाल उठाए गए, ऐसे में ये ज़रूरी हो गया था कि सबूत ठोक के सामने रखे जाएँ, चाहे पाकिस्तानियों के लिए हों या उन राजनीतिक लोगों के लिए जो सेना की कार्रवाई पर शक करते हैं, सवाल उठाते हैं। रोहित, मनीष, अभी हमने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, वो कह रहे थे कि सरकार विफल हो रही है तो सेना को आगे कर रही है, क्या वाकई ऐसा है? जब बिल्कुल नहीं, देखिए सेना जानती है कि उनको कब कैसे काम करना है और पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडियन आर्मी ने पीओके में किया था तो उसमें बड़ा शोर मचा था, कई लोग ये कह रहे थे कि भारतीय सेना ने सबूत दे, क्यों नहीं कोई वीडियो रिलीज़ किया जा रहा है। लेकिन दुनिया भर की फोर्सेज जब ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक करती हैं तो वो वीडियो विजन नहीं देती क्योंकि उनका जो ऑपरेशन स्किल है वो कंप्रोमाइज हो सकता है। और यूएस ने भी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जब ऑपरेशन किया था कोई वीडियो रिलीज़ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो वीडियो रिलीज़ किया गया, देखिए जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन करने से पहले तमाम इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे उस सबको इकट्ठा किया गया और ये पता चला कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं वह बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट के अंदर आतंकी इकट्ठे हो रहे हैं, बीएटी जो बॉर्डर एक्शन टीम है उनके मूवमेंट थे और फिर ये फैसला लिया गया कि एक्शन लिया जाएगा। आर्मी को पता था कि क्वेश्चन उठेगा, पाकिस्तानी आर्मी सवाल उठाएगी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा उन्होंने आज भी किया है। और हमारे देश के अंदर कुछ कई ऐसे कथित बुद्धिजीवी हैं जो हमारी सेना पर भरोसा नहीं करते और उसके लिए भी यहाँ पर सेना ने इंतजाम किया था और ये बिल्कुल साफ मैसेज दिया गया आर्मी की तरफ से कि भारतीय सेना ऐसे किसी भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तो कर सकती है, चाहे वो उसे पीओके में जाना पड़े या फिर सीमा पर हो या फिर कश्मीर के अंदर या देश के किसी हिस्से में। तो अब जो लोग सवाल उठाते हैं कहीं ना कहीं उनके मुंह यहाँ पे बंद हो जाएंगे और पूरी दुनिया में भारतीय सेना एक मैसेज देने में कामयाब हो रही है कि ऐसे जो आतंकियों की मदद हो रही है सीमा पर और आतंकी जो घुसपैठ किए जा रहे हैं, अब सेना चुप नहीं बैठने वाली और ऐसे और ऑपरेशन वो फ्यूचर में भी करेंगे। ठीक है संबित पात्रा, अब तक तो ये था कि सरहद के पार जवाब देना पड़ता था, अब अपने देश के बौद्धिक आतंकवादियों को भी जवाब देना पड़ेगा, सेना को वीडियो बनाने पड़ेंगे, अपनी कार्रवाई के सबूत लेके आने पड़ेंगे कि साहब देखिए हम करके आए। रोहित जी, पहली बात तो है कि मैं आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से इंडियन आर्मी को और उन तमाम जवानों को सल्यूट करना चाहूंगा जिनके कारण आज इस प्रकार का एक अद्वितीय वेलर, एक साहस हम सबको देखने को मिला है। दूसरी, ये भी आपने सच कहा अभी जो आपके संवाददाता कह रहे थे, रिपोर्टर्स कह रहे थे कि सेना ने दो कारणों से वीडियो जारी किया होगा। एक कारण तो जरूर यह है कि पाकिस्तान जो मोड ऑफ डिनायबिलिटी में चला जाता है वो नकार देता है पाकिस्तान को भी हम ये वीडियो दिखा सकेंगे और वीडियो देखकर पाकिस्तान शर्मसार होगा। और दूसरा कि हमारे देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है और दुखद विषय है कि राजनीतिक वर्ग भी इसमें शामिल है जो बार बार आर्मी से सबूत मांगते रहती है। याद करिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वो खेल शुरू किया था और उसके बाद मुंबई में सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और उस समय मुंबई के जो अध्यक्ष थे संजय निरुपम जी ने सेना पे बहुत प्रकार के सवाल उठाए थे, एक तरह से डीजीएमओ को झूठा तक कह दिया था। तो स्वाभाविक है आज जो वीडियो रिलीज हुआ है मुझे लगता है खून की दलाली जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के कुछ राजनेताओं ने किया था आज वो उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, मगर इसमें राजनीति वाकई नहीं होनी चाहिए। दुख इस बात का लगता है कि जब मेजर गोगोई जैसे लोग
हमारे देश के जवानों को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के पुलिस को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरों को बचाने के लिए एक बहुत साहसी कार्य करते हैं, एक भी बंदा उसमें मारा नहीं जाता है, सब जीवित बच जाते हैं, उसको अगर एक साइटेशन मिलता है, उसको अगर पारितोषिक दिया जाता है, उस पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पर तकलीफ होती है, जिसको दिक्कत होती है, तो इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता है और इन लोगों को किसी प्रकार के वीडियो इत्यादि से चुप नहीं कराया जा सकता है। इन लोगों को तो सोशल बॉयकॉट, अर्थात जो हिंदुस्तान की जनता है, इन लोगों को सोशली बॉयकॉट करके इनका मुंह चुप करा सकती है। ओके, राजीव त्यागी बोलिए, आप हाथ उठा रहे हैं। देखिए रोहित जी, निश्चित रूप से सेना जी ने किया है, उसको हम लोग सभी सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इस बात का कि सेना हमारी देश की पूरे विश्व में चौथे नंबर की सेना है और आज 13.5 लाख जवान हमारी सेना में हैं और हम लोग बाग एक पूरी वेल इक्विप्ड सेना है और निश्चित रूप से ऐसी सेना है जो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुकी है और उसको कहीं भी किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो आज गोगोई साहब के लिए किया है मेजर जनरल साहब ने, उस पर कांग्रेस पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट रुख ये है कि जनरल फौज के निश्चित रूप से अपने जवानों को कोई भी प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं और उनका देने का अधिकार है और निश्चित रूप से गोगोई साहब को हम भी सल्यूट करते हैं। आपने जवाब नहीं दिया, संबित पात्रा ने संजय निरुपम का नाम लिया तो आप हाथ उठा रहे थे, मुझे लगा आपको वो चुभा होगा, तभी आपने हाथ उठाया। मैं जवाब देता हूँ उसका। नहीं, मैंने अपने हाथ इस तरह से बांधे थे जवाब देने के लिए और मैं जवाब दे देता हूँ। संजय निरुपम जी ने जो बात कही थी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से संजय निरुपम जी ने जो कहा उससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं। सुशील पंडित, आज अलगाववादियों के साथ कावा पी रहे थे कुछ बड़े नेता, मैं आपको नाम पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन से वो नेता थे जी। उसके बाद आप तय कीजिएगा कि आप राजीव त्यागी से अगला सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप संबित पात्रा से अगला सवाल पूछना चाहते हैं। मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज, उस्मान माजिद, ये कांग्रेस के नेता थे जी। हसन मीर पीडीपी के एक्स नेता, यूसुफ तारिगामी सीपीएम के नेता, हिना भट्ट बीजेपी की नेता, मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, जब ये सारे वहां बैठ के कावा पीते हैं तो टीवी पे बैठ के किस मुंह से बोलते हैं कि हमको अलगाववादियों से बात नहीं करनी। रोहित जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है, आज कश्मीर में भारत एक लड़ाई लड़ रहा है अपने अस्तित्व की, भारत के अस्तित्व की, इसके बावजूद ये तरह तरह का भानमति का कुनवा जो है वे बार बार इस देश में एकमत बनाने की, सहमति बनाने की जो कोशिश होती है आतंकवाद के विरुद्ध, चट्टान की तरह पूरे देश को एक साथ खड़ा करने की जो कोशिश होती है उसमें सेंध लगाता है, उस प्रयत्न को तोड़ता है। इसमें कई दफे ऐसा भी आभास दिया जाता है कि शायद मंशा न रही हो, लेकिन ये इतने पके पकाए मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि इनको अपनी गतिविधियों, अपने क्रियाकलापों, अपने वचनों का क्या प्रभाव पड़ेगा जमीन पर, इसका अंदेशा ना हो। तो जो मैसेज ये दे रहे हैं उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं आज जिस स्थिति में आशिए पर आकर खड़े हो गए हैं। जनता ने इन्हें कहां ले जाकर खड़ा कर दिया है, उसके बावजूद ये नहीं चेत रहे हैं और ये और भुगतेंगे, इसकी और बड़ी कीमत चुकाएंगे। आज जो थोड़ी बहुत हैसियत बची है इन दलों की और इन नेताओं की, जिसको बचाने के लिए ये छटपटा रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, ये भी नहीं बचेगी, इसकी सनद रहे। राजीव त्यागी, आप माफी मांगना चाहते हैं एक बार फिर से सैफुद्दीन सोज के लिए और साथ में मणिशंकर अय्यर के लिए और एक नाम जो मैंने आपको और पढ़ के सुनाया था आपकी पार्टी के नेता का, उस्मान माजिद का, इन तीनों के लिए एक बार फिर माफी मांगना चाहते हैं या हुर्रियत से बातचीत आप लोगों के एजेंडे में है? रोहित जी, अलगाववादियों से हुर्रियत से अगर बातचीत कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने पर्सनल लेवल पे कर रहा होगा, उससे कांग्रेस पार्टी का सरोकार इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बना रखी है कश्मीर में जिसमें मनमोहन सिंह की क्यादत में हम लोग बाग उसमें काम कर रहे हैं और उसमें आजाद साहब से लेकर के अन्य दो तीन नेता और हैं।
लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा बहुत स्पष्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी कश्मीर गए थे एज प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी जब गए थे, जब पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया था पाकिस्तान ने, और पार्लियामेंट पे अटैक करने के बाद भी कश्मीर जाकर के उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हुर्रियत के नेताओं से भी बातचीत करना चाहता हूं। मणिशंकर अय्यर आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप कहीं भी ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री कहीं कुछ बोलता है तो उसका एक सम्मान होता है, तो आप मणिशंकर कोई अपना एक लाइन होती है। अगर आज की सरकार चाहती है कि हुर्रियत से बात नहीं करनी है, आप कितना सम्मान कर रहे हैं तो दिख रहा है पहले से। मणिशंकर अय्यर को पहले आप डिसोन करते हैं कि वो पर्सनल कैपेसिटी में गए, उसके बाद उनके बचाव में आप अटल बिहारी वाजपेयी को उतारते हैं, ये कहते हो कि मैं इनका सम्मान करता हूँ, तो उनका सम्मान कितना कर रहे हैं तो वहीं दिख गया जहां आपने उनको मणिशंकर अय्यर की वकालत के लिए उतार दिया। मैं जवाब दे दूं, जवाब दे दूं प्लीज इसका, अगर आप 30 सेकंड में सुन लें। बोलिए सर, सुन रहा हूं मैं, मेरे प्रति मेरा जवाब सुन लो। मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है, मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है रोहित जी। सरकार अगर तय करती है उसको हुर्रियत से बात नहीं करनी तो सरकार का अपना प्रोग्रेटिव है। हम तो सरकार से चाहते हैं कि वह शांति हो, क्योंकि विगत 36 महीनों में करीब 215 जवान शहीद हो चुके हैं, 473 बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, 1346 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है, और कुल मिलाकर के 103 सिविलियंस वहां पर मारे जा चुके हैं, और 16,000 करोड़ की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। हम सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सरकार अपनी नीति स्पष्ट रखे। सरकार अगर हुर्रियत से बात नहीं करना चाहती है तो निश्चित रूप से समाधान करे, पीस लाए वहां पर। और कोई किसी से बात करता है, जब तक सरकार एनआईए की जांच के बाद हुर्रियत के नेता को जेल में नहीं डाल देती है, देश का दुश्मन डिक्लेयर नहीं कर सकती है, करती है, तो हमें सरकार से फिर बोलिए ना कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है। मणिशंकर अय्यर को किनारे क्यों करते हैं? संबित पात्रा हिना भट्ट भी पर्सनल कैपेसिटी में गई थी? हमारी पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है। संबित पात्रा हिना भट्ट भी पर्सनल कैपेसिटी में गई थी? आप हमें कितना ही बदनाम करिए संबित पात्रा, आप हमें कितना बदनाम करने की जरूरत नहीं है। मणिशंकर अय्यर काफी है। सैफुद्दीन सोज क्या कर रहे थे कसूरी के साथ बैठ के, वो काफी था आपको बदनाम करने के लिए। मुझे क्या जरूरत है बदनाम करने की आपको? आपने रखे ऐसे नेता, आपने रखा है संजय निरुपम को सर, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे उठा रहे थे सवाल। मैंने नहीं उनको शिवसेना से आपकी पार्टी में भर्ती कराया था, आप लेके गए थे सर। मुंबई के अध्यक्ष नहीं रहे हैं सर, मैंने कहा ना आप उनको लेके गए थे शिवसेना से, हमने नहीं भर्ती कराया था आपकी पार्टी में। हटाया जाता है तो आपकी बदनामी के जिम्मेदार आपके नेता है सर, हम लोग नहीं है। दी जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में। राजीव जी प्लीज समझिए इस बात को, अपने नेताओं पे लगाम लगाइए पहले। हम स्वागत करते हैं संबित पात्रा, हिना भट्ट भी पर्सनल कैपेसिटी में गई थी हुर्रियत के नेताओं से मिलने। आप रोज टीवी पे चिल्लाते हैं कि हुर्रियत वालों से बातचीत का सवाल नहीं उठता। मैं तो कह रहा हूं हीना भट्ट हमारी ना तो प्रांत की लीडर है, ना तो कोई सेंटर की लीडर। क्या उस बातचीत को सरकार ने मान लिया? रोहित जी, हीना भट्ट ना तो हमारी केंद्र की लीडर है, ना प्रांत की लीडर है, वो एक जिले में भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है। नहीं रोहित जी, आपने सवाल मुझसे पूछा था, राजीव जी बोल रहे हैं, मैं बोल लूं प्लीज। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, हीना जी भारतीय जनता पार्टी की केवल एक मेंबर है। अच्छा। वह भी केवल एक जिले से है, इसलिए वो कोई हमारी लीडर नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी इस कॉन्क्लेव में, तथाकथित कॉन्क्लेव से कोसों दूर है। हम इस कॉन्क्लेव में ना भाग लेते हैं, ना इसको हम एडवोकेट करते हैं। और बड़ी स्पष्टता के साथ, कहीं और नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जब जज ने पूछा हमसे कि क्या आप हुर्रियत से और बाकी अलगाववादियों से बात करेंगे, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग स्टेक होल्डर नहीं है। अंडरलाइन कैपिटल लेटर्स, हुर्रियत और जो अलगाववादी हैं ये स्टेक होल्डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको किसी प्रकार से एंगेज नहीं करेगी। और जी ठीक, पूछिए 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 सुशील पंडित, क्या पूछ रहे हैं आप? फिर मैं जी हाँ, डॉक्टर संबित पात्रा, हीना भट्ट आपकी कोई छोटी मोटी कार्यकर्ता नहीं है। वो अमीरा कदल से विधानसभा का चुनाव आपकी टिकट पे लड़ी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और ये वही हीना भट्ट हैं जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया था कि कोई अगर धारा 370 को छुएगा भी तो मैं बंदूक उठाऊंगी। आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने उसको रिप्रिमांड नहीं किया, टोका तक नहीं। रोजी जी, ये वो हीना भट्ट है, और ऐसे ऐसे बहुत से लोग आपकी पार्टी में सुशोभित हैं। मैं इसका उत्तर देता हूँ। वो मैं पूछ रहा हूँ राजीव त्यागी जी, वाजिब प्रश्न, लेकिन उससे कांग्रेस का बचाव नहीं हो पाएगा। चिंता मत करिए, न न आप
आप मुझसे पूछिए, सवाल पूछना आप लोगों का दायित्व है और उत्तर देना मेरा काम है। हाँ, एक सेकेंड, हम लोग लड़े नहीं आपस में। बिल्कुल सही प्रश्न सुशील पंडित जी ने पूछा। सुशील पंडित जी, इसी कारण से मैं आज कह सकता हूँ कि हिना भट्ट जी प्रांत स्तर की नेता नहीं बन पाई, वरना वो प्रांत स्तर की नेता बनती। आज वो जिले में है, एक साधारण सदस्य है, वरना वो और आगे बढ़ती। देखिए, हमारे पार्टी में किसी ने दिया इस बात को लेकर आज आप ताली पिटवाना चाहते हैं अपने लिए, इस बात को छुपाते हुए कि वो भी उसी मीटिंग में बैठी थी जिनके साथ नहीं, नहीं, मीटिंग नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, कोई ताली पिटवाना नहीं है। पे भरते हैं, निकाल दीजिए ना पार्टी से। फिर सर कहिए कि हमारी पार्टी में नहीं है। नहीं, हम निकाल नहीं, सवाल पूछ लीजिए, वो करेंगे डिसीजन। वो सर, जैसे कांग्रेस पार्टी का स्लीपर सेल है, आप लोग उनको निजी स्तर पे उतारते हैं मैदान में। अगर चल जाए तो तीन नहीं तो वो स्लीपर सेल बंद करेंगे। सुनिए ना, बिल्कुल नहीं। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, हिना भट्ट तो हमारी कोई लीडर नहीं है, मगर आप याद करिए, जब यही लीडर इंक्लूडिंग शरद यादव पिछली बार हुर्रियत लीडर्स के साथ बातचीत करने चले गए थे, वो अलग बात है कि चाय पीने से उन लोगों ने मना कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े लीडर यशवंत सिन्हा भी गए थे, यशवंत सिन्हा भी गए थे, मगर पूरी पार्टी ने यशवंत सिन्हा के उस स्टैंड को भी डिनाउंस किया कि हम यशवंत सिन्हा जी के साथ नहीं है। देखिए, हम दोगले लोग नहीं है, मैं आपको आज बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं। बहुत ये जो हो रहा है अभी, आर्मी जो कर रही है, ये मेजर गोगोई को अवार्ड दिया गया, एक साइटेशन दिया गया, क्लियर है, पॉलिसी इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आप पत्थरबाजों को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और आर्मी पर पत्थर नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए? ठीक है, ये इतनी क्लैरिटी दे रहे हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए? ओके त्यागी जी, आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं राशिद इंजीनियर, एमएस बिट्टा और मेजर विशंबर दयाल, तीन लोग मेरे साथ हैं जिनसे अभी तक एक भी सवाल नहीं लिया। मैं उनके पास वाले पहले होकर आऊंगा, फिर आपके पास आता हूं राजीव त्यागी। राशिद इंजीनियर, मेजर गोगोई को साइटेशन मिलता है, इतना हंगामा क्यों मच जाता है? और उनको अवार्ड दे दीजिए, कुछ शर्म तो कीजिए। एक बंदा जिसने एक इंसान को जीप पे बांध के रखा जैसे हैवान था, आपको शर्म नहीं आती जो पत्थर फेंकवाते हो? आपको शर्म नहीं आया जो पत्थर फेंकवाते हो? आपको शर्म नहीं आया जो छोटे छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते हो? उधर से बंदा को शर्म आनी चाहिए जिसने जीप के आगे बांध लिया अपने तुम्हारी आंगड़ी को बचाने के लिए। तुम्हें तो शर्म करनी चाहिए, कश्मीरियों का जीना हराम किया। आपको शर्म नहीं आया, बाकी सबको शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान की आर्मी कश्मीरियों को इंसान नहीं समझती है और बीजेपी के राशिद इंजीनियर शर्म की बात करता है। आप शर्म की बात कर रहे हैं, आपकी बेशर्मी से इंटरनेट भरा पड़ा है। बोल के देखिए जरा, राशिद इंजीनियर नाम डालिए, पता लगेगा कितनी बेशर्मियों के आपके कारनामे सामने आते हैं। 1.5 लाख पन्ने खुलते हैं राशिद इंजीनियर की बेशर्मी की करतूतों के सामने। आप बता रहे हैं कि सेना को शर्म नहीं आ रही है? शर्म तो आपको आनी चाहिए, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का खाते हैं आप लोग। के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, आपकी सेना ने ऐसी काले करतूत वहां किए हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हुई है। बेशर्म लोग हैं, आपकी सेना ने बड़े पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की तरफ से आए क्या? पाकिस्तान से चुनाव लड़े थे क्या? पाकिस्तान की जनता ने आपको चुन के भेजा था? सुमित पात्रा, आप पाकिस्तानियों ने वोट दिए थे राशिद इंजीनियर आपको? हमारे मोदी की जागीर नहीं है राशिद इंजीनियर, आपकी जागीर नहीं है कश्मीर, इस बात को दिमाग से उतार दीजिएगा। जागीर नहीं है हमारे हिंदुस्तान की, जागीर है भैया तुम्हारी जागीर, आप अपने दिमाग से उतार दीजिएगा इस बात को। राशिद इंजीनियर, आवाज बंद करते हुए सबकी, मैं एक चीज अपने दर्शकों को साफ साफ बता देना चाहता हूँ। बहुत से दर्शक पूछ रहे हैं कि आपने देशद्रोही राशिद इंजीनियर को इस चर्चा में क्यों बुलाया, आप देशद्रोहियों को मंच क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी आपको संवैधानिक तौर पर दी गई है, ऐसे में डिसेंट को वॉयस देना अपराध नहीं है, लेकिन देशद्रोहियों के पक्ष में खड़े होना, देश के खिलाफ नारे लगाना अपराध है। और राशिद इंजीनियर, अगर आप देश की सेना पर इस तरीके से सवाल उठाएंगे, अगर आप अपनी बेशर्मी को ढकने के लिए देश की सेना को बेशर्म करेंगे, तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक घंटे बिना आवाज के ऐसे हाथ मुंह हिलाते रहे तो भी मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चिल्लाते रहे, आपकी आवाज एयर पे नहीं जाएगी। एमएस बिट्टा, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? अरे ये इंजीनियर क्या बोल रहे हैं, ये हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं? जो कुछ गोगोई का सम्मान हुआ, हिंदुस्तान सलूट करता है उसको और फौज के जनरल को सलूट करता है जिसने दुनिया के अंदर बता दिया हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाज करने वालों का कैसे सम्मान होता है। ऐसे इंजीनियर
ये सामने होते तो इनको मैं बताता, ये दूर बैठे हैं, वक्त आने पे इनको जल्दी पता चलेगा। ये देख लें पाकिस्तान का जवाब किस तरीके से दिया जा रहा है। यही हिंदुस्तान चाहता था, यही हिंदुस्तान का आवाम बड़ा छोटा चाहता है कि पाकिस्तान की गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाए। गोगोई ने एक पत्थरबाज को बांधा, मैं बार बार डिमांड कर चुका हूं पत्थरबाजों को जीपों के अंदर बांधा जाए और गश्त की जाए, पत्थर चले, पहले पत्थर चले उन पत्थरबाज के ऊपर, फिर पत्थर चले जीप के ऊपर, फिर पत्थर चले हमारे जवान के सीने के ऊपर। भारत मां की जय करता हुआ जवान अपने सीने पे गोली भी खाता है, पत्थर भी खाएगा, पर चारों तरफ इनको बांधा जाए, खाना बढ़िया खिलाया जाए, बैठने का इंतजाम सही हो। इनकी ऐसी की तैसी, इन्होंने कश्मीर को क्या समझ रखा है? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? कश्मीर में हजारों जवान शहीद हो चुके हैं, लाखों कश्मीरी पंडित भगा दिए गए वहां से। उस कश्मीर आजाद कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, याद रखिए। इंजीनियर साहब, पंजाब के अंदर आतंकवाद को हमने ही मिलके समाप्त किया था, एक मूवमेंट खड़ी की थी, वो दिन दूर नहीं। हिंदुस्तान का हर नौजवान केजरीवाल की तरह नहीं, हिंदुस्तान का हर नौजवान तिरंगे झंडे पकड़ के आपके कश्मीर में घुसेगा। चलाइए कितने पत्थर चलाने हैं, हर पत्थर का जवाब पत्थर में दिया जाएगा। हम उस आंदोलन को शुरू करेंगे, पर हमारे सैनिकों के ऊपर उनका अपमान करना, ये भाग गए, क्यों भगाया इनको? लाइए इसको, इसको लाइए, ये इंजीनियर कहाँ भाग गया? हमने नहीं भगाया, हमारे खुद उठ के भाग गए, शर्मसार करने वाला। लगातार एक बात कही है, हाथ जोड़ के लाइए कि आप नहीं बात रखना चाहते, इनका हम जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देश के खिलाफ जहर उगलेंगे, हमारे अगर कोई देश के खिलाफ जहर उगलेगा, हम उसे मंच नहीं देंगे। राशिद इंजीनियर, अगर खुद उठ के भाग गए, ये हमारे सवालों का जवाब दे ही नहीं सकते, ये कायर है, ये देशद्रोही है, ये धोखेबाज है, इनको लाइए, हाथ खड़े करके जाए जाना। तो ठीक मेजर विशंबर दयाल, जल्दी से मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूँ। सर, पत्थरबाजों से बचने के लिए तो आप जीप के आगे एक पत्थरबाज को बांध देंगे, लेकिन उन बौद्धिक आतंकवादियों का क्या करेंगे सर, जो दिल्ली में बैठते हैं, टीवी स्टूडियोज में जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, अखबार में कॉलम लिखते हैं और ये कहते हैं कि मेजर गोगोई को आगे करके इस देश की सेना और सरकार बहुत गलत एक उदाहरण पेश कर रही है। रोहित जी, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को और खासकर जो श्रीनगर या जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं, उनको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोग श्रीनगर के अंदर या वैली के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में अगर भारतीय सेना आज डिप्लॉयड है, तो वो इसलिए डिप्लॉयड है कि हमारे जो नागरिक हैं उनके जान को माल को टेररिस्ट से खतरा था। हम लोग वहां 91 से पहले सिर्फ LC को मैन करते थे, जब पाकिस्तान से घुसे हुए घुसपैठिए जैसे 47 में उन्होंने हमारे नागरिकों को बताश किया, हमारी बहनों की इज्जतें लूटी, हमारे जान माल को खतरा किया, ठीक जब टेररिस्ट इस कार्रवाई पर उतर आए थे, हम अपने नागरिक, हम ये नहीं कहते श्रीनगर के अंदर कश्मीरियों का खून बहा, नहीं, भारतीय सेना के हाथ आज भी उतने साफ हैं, दिल उतना साफ है, कश्मीरी हमारे देश का नागरिक है, हम उसकी हिफाजत के लिए हैं, वो हमारा नागरिक है, हम जब तक वहां टेररिस्ट हैं, जब तक टेररिस्ट कार्रवाई बंद नहीं करेंगे, हम उन पर जीत नहीं हासिल करेंगे, हम वहां रहेंगे। दूसरी बात, जो टेररिस्ट की मदद करेगा हम उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, हम उनके साथ वही कार्रवाई करेंगे जो टेररिस्ट की मदद करेगा, जो हमारे दायरे में हमारी SOPs में लिखा हुआ है। और जहां तक मेजर गोगोई की बात है, मैं समझता हूं मेजर गोगोई के ऑपरेशंस को, कंप्लीट ऑपरेशंस को देखो, एक बहादुर मेजर को देखो, उसके पास एक टुकड़ी है, वो बीच में घिरा हुआ है, चारों तरफ से टेररिस्ट उस पर फायर कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहा है, और जब वो वहां से वापस चलने लगता है तो ये लोग उसको पत्थरों से सामना करते, पत्थरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उस सिचुएशन पर उसने अपनी सूझबूझ से जो कार्रवाई की, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इन कश्मीर वी आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिस्ट हु आर डैमेजिंग आवर पीपल, हु आर किलिंग आवर पीपल, हु आर डैमेजिंग आवर प्रॉपर्टी, जो हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, हमारे कश्मीर भाइयों, ये नहीं जानते रशीद जी आप,
जाके उन बहनों से पूछिए जो रात में इन टेररिस्ट को खाना खिलाती है, जो दुर्व्यवहार ये टेररिस्ट उनके साथ करते हैं। रशीद को क्या मालूम, ड्राइंग रूम में बैठे हम लोग जानते हैं जिन्होंने ग्राउंड पे ये सिचुएशन देखी है। और जो भी कोई आज के दिन हमारी सेना की निष्ठा पर उंगली उठाता है उसको मालूम आना चाहिए सेना बिल्कुल अपॉलिटिकल है। इस देश का एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जो कि एलसी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देगा। ठीक है, जहां से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होते हैं, ये जो आप पिक्चर दिखाए जा रहे हैं बड़ी खुशी की बात है कि सेना ने ये डिस्ट्रॉय की। एलसी पर ऐसी सारी पोस्ट डिस्ट्रॉय करो और एलसी पर एग्रेसिव कार्रवाई करो। ठीक है, तो मैं रशीद जी को बताना चाहता हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, हम आपकी हिफाजत में हैं। दुर्भाग्य हमारा यह है कि आप जैसे गद्दार भी हमारे जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनका उनका सहारा लेके उनके पीछे छुपके और आप हमारी सेना को हमारी सेना का विरोध करते हैं। ठीक है, आप अगर आपको टेररिस्ट के पास अकेले छोड़ दिया जाए तो आप सबसे पहले भाग के सेना के कैंप में छुपेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। टेररिस्ट छोड़िए, वो तो ये डिबेट छोड़ के भाग गए, यहाँ तो कोई बंदूक लेके नहीं बैठा था। राजीव त्यागी आप बहुत देर से हाथ उठाए, बोलिए। समित पात्रा उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए। देखिए राशिद व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने बीफ पार्टी भी की थी और ऐसे व्यक्तियों को मैं आग्रह करूंगा आगे से डिबेट पे नहीं बुलाना चाहिए। जो व्यक्ति देश के विरुद्ध जाग उगलते हो, देश के सामाजिक सद्भाव को खराब करते हो, देश के धार्मिक सद्भाव को खराब करते हो, देश के खिलाफ सवाल पूछना चाहता हूँ। पार्टी के उपाध्यक्ष उनके साथ जाके बैठ गए थे सर जेएनयू में, हमको आप बोल रहे उनको टीवी पे मत बुलाया करो। हम तो सर फिर भी बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल नहीं, हम तो फिर भी बहुत ख्याल रख लेते हैं सर। आप लोग कब ख्याल रखेंगे? मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं प्लीज सर। उपदेश देना बड़ा आसान होता है, जवाब देता थोड़ा आचरण में भी तो लाइए उस उपदेश को। बात के लिए हमें घेरने की कोशिश करते हैं, मैं किसी बात के लिए घेर नहीं रहा हूं सर। जवाब दे दूं प्लीज, जवाब दे दूं। आप ही ने मेरे प्रोग्राम पे बैठ के कहा था कि लट चलने चाहिए कन्हैया और गैंग पर, और जब लट चले सर तो सबसे पहले राहुल गांधी जी को तकलीफ हुई। बिल्कुल, मैंने कहा था, मैं कहा था, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, राहुल जी वहां गए थे, क्या आज तक वहां पे जेएनयू की सच्चाई सामने आई? क्या पुलिस ने सब लोगों को फाइनल रिपोर्ट लगाई? क्या पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया? हमारा आग्रह है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करे निश्चित रूप से उसका बहिष्कार होना चाहिए और उसको क्या नाम से बिहाइंड द बार होना चाहिए। जेएनयू में जिन्होंने अपराध किया, देश को नारे लगाए, उनको भी बिहाइंड द बार होना चाहिए। विद फोल्डेड हैंड्स मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहता हूँ, रोहित जी मुझे अपनी बात रखने दे। मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जो सेना, उसने हमेशा मान बढ़ाया लोगों का। कश्मीर में जब बाढ़ आई सेना साथ खड़ी हुई, पाकिस्तान जब गोले बरसाता तब सेना साथ खड़ी होती है, वही सेना हमारी रक्षा करने का काम करती है। राशिद से मैं कहना चाहूंगा कि राशिद पहले देखिए आप, जब पाकिस्तान अगर यहाँ पे घुसने की कोशिश करेगा, आपके घर पे कहीं गोलीबारी करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले सेना ही आपको बचाने का काम करेगी। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लोगों को तो आप कहीं ना कहीं संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन देश को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। देश को सेना पे नाज है और सेना अपॉलिटिकल है, सेना कई पॉलिटिक्स में क्या नाम से दखल नहीं देती है, और सेना का हर जवान ये कहता है मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, और वो हमेशा ये कहता है सेना का जवान, ऐ वतन ऐ वतन, तकरीर मेरी कसम त्यागी जी, इस तकरीर में ओवैसी वाली रोहित जी ओवैसी वाली बू आ रही है। कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार क्रेडिट ना ले जाए इस बात का? आपको लगता है सेना कोई छोटी छोटी चीजों का या सरकारों को छोटी छोटी चीजों का क्रेडिट लेने के लिए मानना चाहिए ऐसे? जी न्यूज से आपने कभी ये पूछा? आपने कभी ये पूछा कि 215 जवान शहीद हो चुके हैं? आप भूल गए त्यागी जी, आप जी न्यूज पे बैठ के पूछ रहे हैं सवाल, पहली बात। दूसरी बात, मुझे आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपने कल देखा कैसे आलोक शर्मा लताड़ के भागे यहाँ से? आपने कल देखा कैसे आलोक शर्मा लताड़ के भागे यहाँ से? उनसे पूछे गए थे सवाल संबित पात्रा से, उसके बाद भी आलोक शर्मा को जब ये नहीं सूझा तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए, उसके बाद उन्हें लताड़ा गया, तो उनकी बोलती बंद हो गई सर। अपने मित्र को आप कुल मिला के राजीव त्यागी जी, आप लोगों की दिक्कत यह है, आप लोग सच का सामना नहीं करना चाहते। जब आप लोगों को लगता है कोई सवाल पूछ रहा है तो उसकी जुबान खींच लो, राष्ट्रवाद के लिए ये आप लोग 70 साल तक करते हैं सर, लेकिन अब नहीं कर पा रहे क्योंकि चीजें आपके हाथ से बाहर निकल गई हैं। अब आप सत्ता पे काबिज नहीं है, अब आपके नेताओं का पैसा मीडिया में नहीं जा रहा, अब मीडिया आपके नेताओं के कंट्रोल से बाहर निकल गया है, अब सोशल मीडिया आ गया जहां लोग अपनी मर्जी से सब कुछ लिख देते हैं, जहां आपके पकड़ से बाहर निकल के आदमी लिख देता है। आपके नेताओं के एडिटेड वीडियो जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से आते थे वो नहीं चल पाते, वो वीडियोस सार्वजनिक हो जाते हैं जो अनएडिटेड होते हैं, जिसमें आपके नेता पकड़ में आ जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कहां पर।
वहाँ पता लग जाता है कि जब वो भाषण देने के बाद कागज हिलाते हैं, नाम पढ़ते हैं, तो वो असल में सामान्य जनिष्ठ होती है, वो नामों की लिस्ट होती नहीं है, कुछ और लिखा हुआ होता है। तो सर, जब ये सारी चीजें सामने आने लगी तो आपकी तिलमिलाहट जायज है, लेकिन त्यागी जी, इस बात को समझिए, विषय देश की सुरक्षा का है, आज इस बात का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 3 सवाल पूछे और बीजेपी के नेताओं ने 5 सवाल पूछे। विषय इस बात का है कि सेना पर सवाल कौन उठा रहा है। विषय इस बात का है, संजय निरुपम से आपने पल्ला झाड़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा का पूरा दामन साफ हो गया। कश्मीर में ये आंकड़े जम्मू कश्मीर में चिल्लाते रहिए। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, 70 साल के आंकड़े निकाल के देख लीजिए और जम्मू कश्मीर के आंकड़े आपको पूछने का बहुत शौक है तो मणिशंकर अय्यर को दे दिया होता एक पन्ना इसका। मणिशंकर अय्यर जा रहे हो जम्मू, कावा पियोगे वहां बैठ के अलगाववादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, उनको भी आंकड़े दिखा देना कि तुम लोग क्या करवा रहे हो। यशवंत पूछ लीजिए थोड़ा सा सर, आपकी पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित नेता है मणिशंकर अय्यर, सैफुद्दीन सोज आपके मित्र भी होंगे, आपको ट्रेनिंग दी होगी उन्होंने प्रवक्ता बनने की, उनसे पूछ तो लेते जरा, उनको ये लिस्ट दे देते कि मणिशंकर अय्यर जा रहे हो कश्मीर, कर दिया, ले जाओ अलगाववादियों को दिखाना कितने सैनिक हमारे मर रहे हैं, कितने आम नागरिक हमारे मर रहे हैं, कितनी बार सीज फायर वायलेशन हो रहा है, कितनी बार आतंकवादी को घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान से मदद मिल रही है, अलगाववादियों की पैरवी करते हैं यहाँ बैठ के, उनको दे देते सर ये कागज, अच्छा लगता हमें तो बेहतर कश्मीर भी लगता कि आप देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आप लोग अपना सेना मजबूत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सर, और उसके बाद आप ये नहीं कहूंगा आरोप लगाते हैं, ये गलत तरीका है। राजीव त्यागी जी, संबित पात्रा बोलिए अपनी बात। नो माय डियर सर, जी न्यूज का सेट एजेंडा है, इसको मैं हमेशा कहता रहूंगा कि कांग्रेस को बदनाम करना चाह रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, लेकिन आपको पूरा नहीं पड़ रहा लगता है, आपने अच्छे से अपनी बात रखी है त्यागी जी, मैं पैनलिस्ट है, अब आपकी आवाज बंद है, आप चाहें तो ऐसे कागज लेके बैठे रहे, उस पर लिख ले, मुझे समय नहीं दिया जा रहा, आप ये ड्रामा करने के लिए स्वतंत्र है, कर सकते हैं। संबित बोलिए इस बात पे। रोहित जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, रोहित जी मैं आपके थ्रू कुछ कहना आ रहा हूं, विशंबर जी आपके पास आ रहा हूं, एक बार संबित से सवाल पूछ लूं उसके बाद आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। देखिए, आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है जो हुआ है, और जिस प्रकार से वीडियो रिलीज किया है और जो आर्मी की स्टेटमेंट आई है उससे भी हम कुछ डिस्कशन करें। 4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आर्मी ने रखा है। 1, उन्होंने कहा है ये एक प्यूनिटिव एक्शन है, मगर एक तरह से पनिशमेंट दिया गया है। 2, उन्होंने कहा है ये प्रोएक्टिव एक्शन है, अर्थात इससे पहले कि बर्फ़ पिघले और जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो क्रॉस करके LC को इस पार आके यहाँ उपद्रव मचाए, उससे पहले ही हमने प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव एक्शन लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे, केवल रिएक्टिव हो के कि पाकिस्तान काम करेगा उसके बाद हम जाके उस पे रिएक्शन करेंगे, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये एक प्रोएक्टिव एक्शन है। 2, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बड़े स्पष्टता के साथ आर्मी ने कहा कि हम चाहते हैं, अच्छा राजीव जी को क्या हो गया है, हम स्पष्टता के साथ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पीस, और सेना का प्रेस रिलीज हमने भी टीवी पे सुना दिया है, जनता को सेना के अधिकारी वो सारी बात खुद बोल के गए हैं। पात्रा जी, आपको बोलने की क्या जरूरत है, आप वो बताइए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, सेना जो कर रही है सेना खुद बता रही है, कर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं नहीं, तो आप तो मुझसे नहीं, आप तो पिछली बार बोल रहे थे सेना को करने क्यों नहीं दे रही है सरकार, सेना को करने क्यों तो नहीं दे रही है, ना कि क्रेडिट सेना ने कर दिया तो बोल रही है सेना ने किया है, सरकार का इसमें क्या मतलब है। वैसे और राजीव त्यागी को सता रहा था, बिल्कुल नहीं, जाए सेना की आप लोग क्रेडिट लेंगे कि हमने करवा दिया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ना ना, ये ना ना ना, बिल्कुल नहीं, क्रेडिट नहीं, ये हिंदुस्तान के सरकार का फर्ज है, हम फर्ज निभा रहे हैं, कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। अगर हमारा एक जवान शहीद होता है, उसके गर्दन को काट दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने और रक्षा मंत्रालय दोनों में से ये स्टेटमेंट आया था कि ये शहादत जाया नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यहाँ कोई चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं हम, यहाँ देश की इज्जत का सवाल है साहब, और देश की इज्जत को बचाना सरकार, सेना और जनता तीनों का काम है। ठीक है, और यहाँ पर राजीव जी इस प्रकार से पट्टी आप मत बांधिए, राजीव जी पट्टी जो पट्टी बांध के बैठे हैं जी के मुख में बांधिए, राजीव जी जो पट्टी बांध के बैठे हैं उस पर आपसे टिप्पणी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के लोग ये जानते हैं, कश्मीर के पत्थरबाज ऐसी पट्टी बांध के आते हैं, JNU में जो नारा लगा रहे थे ऐसी पट्टी बांध के आ रहे थे, वो मुंह पे रुमाल बांध के क्या छुपाते हैं, वो देश के लोग अब अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं। राजीव त्यागी जी उसी कतार में दिखना चाहते हैं, दिखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका उनकी पार्टी का स्टैंड हो सकता है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, वो ऐसे बैठ सकते हैं। विशंबर दयाल जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं।
देखिए मैं तीन चार चीज कहना चाहता हूं। आपके चैनल पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, रशीद जी ने कुछ बोला और ये कितने बौखला गए, कितने सब गुस्से में आ गए। आप हमारे सैनिक की इस देश को प्रशंसा करनी चाहिए, जो सैनिक एक मिडिल क्लास 10th क्लास पास सैनिक है हर रोज इससे भी बुरी बुरी चीजें सुनता है। रशीद जैसे गद्दार उसको बहुत ऐसे ताने देते हैं, हर रोज वो झेलता है, लेकिन फिर भी संयम दिखाते हुए अपने ऑपरेशंस करता है। पहली बात तो इस देश को मालूम होना चाहिए कि हमारे सैनिक के अंदर कितनी संयम है। दूसरी बात, हमारा सैनिक, हमारी सेना बहुत प्रोएक्टिव है और हमारी सेना किसी भी स्टेज पर अगर आप ऐतिहासिक तौर पर भी देखो, हम जब भी पाकिस्तान कोई इस किस्म की कार्रवाई करता है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये सेना ने जो आज कार्रवाई की है, तीनों कार्रवाई जो है ये बहुत अच्छी है। हमें ऐसी और पोस्ट डिस्ट्रॉय करनी चाहिए, हमें बिल्कुल इस चीज की कोई वो चीज नहीं करनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान को अपीज करना है, सेना को पाकिस्तान को एक लेसन सिखाना है, बिकॉज इसी के जरिए लेसन दे सकते हैं, बातों से कुछ नहीं होने वाला। तीसरी बात, जो सेना कार्रवाई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रही है उसमें अगर किसी किस्म की कोई दखलंदाजी करता है और उसके खिलाफ सेना कार्रवाई करती है तो J&K पुलिस, J&K की जितनी वो और जितनी भी हमारी सरकार की मशीनरी है वो सेना की मदद करे, ना कि उसमें खोट डालने की कोशिश करे। ये कार्रवाई बहुत अच्छी है, इसी कार्रवाई को जारी रखो, क्योंकि पाकिस्तान की ये पूरी मुहिम है कि इस समर के दौरान और सितंबर अक्टूबर तक J&K के अंदर ऐसे हालात पैदा करे ISI की ये पूरी कोशिश है कि ये देश में बौखलाहट हो जाए और हम एक अनस्टेबल कंट्री लगे। हमें उस वॉर को जीतना है और पूरे देश को सेना की मदद करनी चाहिए इसमें। ठीक है, लेकिन बिट्टा जी आपकी पार्टी के नेता तो पत्थर फेंकने वालों की तरह, JNU में नारा लगाने वालों की तरह मुंह पर रुमाल बांध के बैठे हैं, क्या समझे हम? देखो, एक बात मेरी स्पष्ट है, मेरे लिए पहले भारत माँ है, ना मेरा कोई लीडर है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरी कोई पार्टी है। मातृभूमि, वंदे मातरम मेरे लिए सबसे बड़ा है, हिंदुस्तान का जवान मेरे लिए सबसे बड़ा है। पात्रा जी BJP के लीडर हो सकते हैं, प्रवक्ता अच्छे हो सकते हैं, पर कभी पात्रा जी को आपने पूछा मैं इनके आगे सिर झुकाता हूं BJP के लीडर हो सकते हैं? इन्होंने कभी आपको नहीं बताया। इनका बड़ा जो मैं बात सोचता हूं, इनका सका भाई नक्सलाइटों से लड़ते लड़ते शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अभी किसी फंक्शन में बता रहे थे, अभी इनकी बहन अपने भाई का इंतजार करती है। पात्रा जी आप BJP के हो सकते हैं, पर आपके दर्द को मैं पीड़ा को समझता हूं। जहां तक सवाल उठता है हमारी पॉलिटिकल पार्टियों का, जिससे हमने बहस करनी थी वो तो भगा दिया, भाग गया वो, आप उसको नहीं बिठा पाए। अगर बिठाते तो उसको बताता कि हिंदुस्तान की हमारी फौज आपका किस तरीके से आगे करारा जवाब देगी। मैं फिर बार बार रोहित जी आपके सामने दोहराऊंगा, पंजाब की वो हालात, कांग्रेस BJP CPM CPI मिलकर लड़ाई लड़ी, आतंकवाद समाप्त हुआ। तो हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर की लड़ाई के अंदर कांग्रेस BJP CPM CPI या CPI का एक लीडर, मैं नाम नहीं जानता पर इतना जानता हूं, इसकी बेटी JNU के अंदर घर घर अफजल पैदा करेंगे, भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी, ये हमेशा हमेशा आतंकवादियों का साथ देते एक्सपोज हो गए। शरद यादव जी, उनकी शुरू से आदत है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर आग लगाने की। आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान को, जो आतंकवादियों को गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है, हिंदुस्तान खड़ा है हमारी फौज के ऊपर। अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अगर एक्शन ले रहे हैं, तो कहने में क्या बुराई है? मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं अपने जवानों को रोज देखता हूं, उनके परिवारों को देखता हूं, आज भी उन शहीदों के परिवारों से आया हूं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर एक बात आज स्पष्ट कह दूं, एक बार पाकिस्तान का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा और आने वाले वक्त के अंदर ये कश्मीर का मसला गोलियों से हल होगा, बातचीत से हल होने वाला नहीं है। ठीक है, सुशील पंडित, छोटा कमेंट जल्दी से। जी, मैं केवल इतनी बात बार बार कहना चाहूंगा पूरे आग्रह के साथ कि कश्मीर का संघर्ष अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है, भारत वहां जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहा है और ये राजनीतिक तूतू मैमे का विषय नहीं रह गया है।
आज अगर राजीव त्यागी मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं तो मैं मुझे उनसे सहानुभूति है, क्योंकि कांग्रेस की पैरवी करना बहुत आसान नहीं है, कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पर जवाब दे पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन उन्हें भी पार्टी में कम से कम ये आवाज बुलंद करनी पड़ेगी कि राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग फिर किसी दिन किसी और विषय पे हो जाएगी। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पूरे देश को एकमत होकर खड़ा होना पड़ेगा। ये सेना संबित पात्रा या बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, ये हर देशभक्त भारतीय की है, और इस पर भी गर्व करना सीखें। इस पर उंगली उठाने से पहले या किंतु परंतु लगाने से पहले सोचें कि आज देश कश्मीर में किस दौर पर खड़ा है, और इसलिए राजनीतिक एक सहमति बनाने की आवश्यकता है, और इसके लिए क्षुद्र स्वार्थों को तूतू मैं को इस विषय पर त्यागने की आवश्यकता है, इसके लिए एक राय और एक मत बनाए। ठीक है त्यागी जी, आज सेना के पक्ष में बोलने का दिन है, तो आपने मुंह पे पट्टी बांध ली, अगर आपको लगता है कि आपका दुराग्रह खत्म हो गया तो आप खोल के पट्टी अपना लास्ट कमेंट दे सकते हैं। फिर मैं कृष्ण मोहन के पास एक आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको केवल ड्रामा दिखाना है तो मैं अगले 10 सेकंड आपकी तस्वीर पट्टी बांधे भी दिखाने के लिए तैयार हूं, कि लोगों को रजिस्टर हो जाए। त्यागी जी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे थे, काफी देर से दिख रहे हैं आप। मेरी पट्टी जी न्यूज के बायसनेस पे है, उसमें मैंने बांधी थी, और आपकी आपके बायस कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। उसके बाद भी आपके प्रवक्ता हर चैनल पे जाके हर जगह डेली यही कहते हैं सर, इस देश का सारा मीडिया बिका हुआ सर, केवल कांग्रेस रह गई, कांग्रेस का टीवी चैनल जो एडिटेड वीडियो दिखाता था कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से आने वाले सर, केवल वही जो वीडियोस थे वो एकदम सही वीडियो होते थे, जिसमें राहुल गांधी जी का पहले से तय करके आप लोग भेज देते थे, आज किसानों से मिले, आज महिलाओं से मिले, आज रेडी पटरी वालों से मिले, इसको इतना इतना चॉप करके भेजा है, इतना इतना ही चला देना और इतने बजे के बाद चलाना, वो केवल आपकी पार्टी भेजती थी, केवल वही एक सटीक वीडियो होता था सर, बाकी सब इस देश में बिका हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ट्विटर पे और फेसबुक पे अपने चैनल खोल लीजिए त्यागी जी, मेरी सलाह मानिए, और बापू के बंदर की तरह आंख नाक मुंह कान ऐसे ही बंद रखिए, आपकी पार्टी को शायद इससे भला हो, क्योंकि आप लोगों के बोलने से तो नुकसान हो रहा है। कृष्ण मोहन, लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं, क्या सेना के काम का क्रेडिट ले सकती है सरकार ऐसे? देखिए सरकार हमेशा की बात है कि लड़ता सिपाही है पर माला राजा के गले में पड़ती है, और पहले भी पॉलिटिकल जो विल है उसका क्रेडिट पहले भी लिया गया है, 1971 में लिया गया, 1965 में लिया गया, 62 में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसमें क्रेडिट लेने जैसी कोई बात ही नहीं थी, वो तो एक बहुत शर्मनाक हार थी, लेकिन 65 में भी लिया गया, 71 में भी लिया गया, तो क्रेडिट अगर सरकार को जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और दरअसल सरकार की इच्छा शक्ति होती है जिसके सहारे सेना आगे काम करती है। ये गर्मियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हैं, ये मुझको सेना के सूत्र बता रहे हैं, भविष्य में और बड़ी कार्रवाइयों का इंतजार कीजिए, और शायद वीडियो की अगली किस्त का भी इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टार्ट ठोके का हिस्सा बनने के लिए।